आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं वो भी खुश होंगे, क्योंकि आज हमने ब्लैक होल का एक ऑफिशियल इमेज देखा है, एक रियल इमेज देखा है। ये जो इमेज है कोई फेक इमेज नहीं है या कोई सिमुलेशन या फिर कोई एनिमेशन नहीं है, बिल्कुल एक रियल इमेज आपको देखने को मिलेगा जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको रिलीज किया गया है। एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के थ्रू इस इमेज को लिया गया है और ये जो इमेज है बिल्कुल रियल है। और मतलब आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में सिर्फ थ्योरी में या फिर कह सकते हैं मूवीज या फिर एनिमेशन मूवी जो होती है वेब सीरीज, उसमें आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में सुना है कि ब्लैक होल किस तरीके का दिखता है, लेकिन जो आज इमेज निकल के आया है वो बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि भाई जो हम थ्योरी पढ़ते थे वो थ्योरी 110% सही थी। भाई ब्लैक होल करके जो चीज थी वो बिल्कुल प्रेजेंट में थी। और मुझे शौक इस बात का लगा है कि जिस तरीके से हमने उसको एनिमेशन मूवीज वगैरह में देखा है सेम उसी की तरह ये दिखता है, बिल्कुल ऑरेंज रिंग के साथ कवर है, तो वो चीज जो है वो मुझे ज्यादा चौंकाने वाली लगी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को बिल्कुल हल्के में लेंगे कि यार चलो ठीक है, एक इमेज ही तो है ब्लैक होल की। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो ये ब्लैक होल है वो अराउंड 55 मिलियन ईयर्स दूर है, तो उसकी जो इमेज है अर्थ से ली गई है। और एक और बात आपको बताता हूँ, जो ये ब्लैक होल है उसका जो साइज है वो अराउंड एक पूरे सोलर सिस्टम के बराबर है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बराबर इसका साइज है। तो भाई बहुत बड़ी बात है, इसका एक ऑफिशियल इमेज जो निकल के सामने आना मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब की कहानी मैं बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों को बहुत सारी दिख जाएंगी लेकिन आप लोगों को उसमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री सब घुसा देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल ईजी वे में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये कहानी है वो अभी की कहानी नहीं है कि यार कल परसों में उन्होंने जाके इसको इमेज को कैप्चर कर लिया। तो ये जो कहानी है वो 100 साल पुरानी कहानी है, आइंस्टाइन के जमाने की कहानी है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, आइंस्टाइन ने एक अपनी थ्योरी के थ्रू, एक ग्रेविटेशनल रिलेटिवली एक थ्योरी थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने शायद 10th 12th या फिर उसके बाद की पढ़ाई में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनकी थ्योरी के अनुसार ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ब्लैक होल करके कुछ तो है स्पेस में, जो एक ऐसा होल है जो सोलर वेव्स को जो है अंदर घुसने नहीं देता है। वो क्या करता है कि जैसे ही ब्लैक होल पे टच होता है वो सोलर वेव को राउंड शेप में घुमाने लगता है और उसको साइड से निकाल देता है, मतलब बीच में जाने नहीं देता है। तो उसी की तरह जो है वो रिंग आकार होती है जो आप अभी ऑफिशियल इमेज में देखने को मिल रहा है, वो जो प्रेडिक्शन थी उस प्रेडिक्शन को आप रियल में देख सकते हैं कि उसी तरीके की एक ये सोलर रिंग है जो आप देख रहे हैं, सोलर वेव की जो अंदर नहीं जाने दे रही है। तो ये जो एक प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल रियल रियलिटी में हमें आज देखने को मिलती है। और जो ये इमेज है वो एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप करके जो एक टेलीस्कोप है उसके थ्रू ये लिया गया है। और जो ये टेलीस्कोप है ये रेगुलर टेलीस्कोप नहीं है जो हम जो नॉर्मली हम देखते हैं, ये टेलीस्कोप बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जो, और इसको अराउंड 8 टेलीस्कोप में डिवाइड किया गया है। 8 टेलीस्कोप के थ्रू सिंक्रोनाइज करके इसको इमेज ली गई है। और जो 8 टेलीस्कोप है ये अलग अलग जगह मतलब लाइक 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट में इसको लगाया गया है, रखा गया है और उसको सिंक्रोनाइज करके इस इमेज को लिया गया है। तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत है और अराउंड 100 से भी ज्यादा रिसर्चर इसके पीछे लगे हुए थे सालों से, इसके इसकी ऑफिशियल एक इमेज एक बिल्कुल करेक्ट पोजीशन का वेट कर रहे थे, और जो बिल्कुल इसकी रियलिटी जो जानना चाहते थे, जो लोगों के सामने लाना चाहते थे, जो आज वो है बिल्कुल सफल हो चुके हैं, उसको उन्होंने बता दिया है कि हाँ भाई जो ब्लैक होल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो बिल्कुल सच है और वो उसी तरह दिखता है जिस तरीके से हम लोगों को दिखाया गया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके का टेलीस्कोप, इस तरीके का माइंड और इस तरीके के साइंटिस्ट होना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि हम इस दुनिया में इस टाइम में जी रहे हैं कि हम जो है ब्लैक होल जो 55 मिलियन ईयर्स दूर है उसको भी हम देख सकते हैं। तो भाई जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम पा सकते हैं, मतलब ऐसी चीजों को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि यार मैं बहुत ज्यादा खुश था, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को शेयर करूं, क्योंकि ये चीज जो है बहुत बड़ी बात है भाई, इस चीज को हल्के में मत लेना। अगर आप लोग अप्रिशिएशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, कमेंट सेक्शन जो है वो भर दीजिए अपने अपने थॉट से कि ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी और जो सब कुछ जो ये कुछ हुआ है वो आपको क्या लगा और आपके जो थॉट है वो मैं जानना चाहता हूँ ऑफिशियली बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में। तो आप वहाँ पे कमेंट करके हमें बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी करिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ऐसी वीडियोस जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।